रामधारी सिंह, जिन्हें उनके कलम नाम दिनकर से जाना जाता है, एक भारतीय हिंदी और मैथिली भाषा के कवि, निबंधकार, स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त थे। वे अपनी भारतीय स्वतंत्रता से पहले के दिनों में लिखी गई अपनी राष्ट्रवादी कविता के परिणाम स्वरूप विद्रोह के कवि के रूप में उभरे थे। दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया गाँव, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में हुआ था। एक छात्र के रूप में उनके पसंदीदा विषय इतिहास, राजनीति और दर्शन थे। स्कूल में और बाद में कॉलेज में उन्होंने हिंदी, संस्कृत, मैथिली, बंगाली, उर्दू और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। दिनकर की पहली कविता 1924 में छात्र सहोदर नाम पत्रकार में प्रकाशित हुई थी। छात्र सहोदर नरसिंह दास के संपादकीय में स्थापित एक स्थानीय समाचार पत्र था। 1928 में गुजरात के बारडोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसान सत्याग्रह सफल साबित हुआ। उनकी रचनाएं ज्यादातर वीर रस या बहादुर विधा की हैं। उनकी कुछ महान कृतियां रश्मि रथी और परशुराम की प्रतीक्षा है। उन्हें भूषण के बाद से वीर रस के सबसे महान हिंदी कवि के रूप में जाना जाता है। दिनकर का पहला कविता संग्रह रेणुका नवंबर 1935 में प्रकाशित हुआ था। उन्हें काशी नगरी प्रचारिणी सभा, उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कार और भारत सरकार द्वारा उनकी महाकाय कविता कुरुक्षेत्र के लिए एक पुरस्कार भी मिला। उन्होंने 1959 में उनके काम संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वह 1959 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता भी थे। दिनकर को 1974 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 24 अप्रैल 1974 को 65 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। दिनकर की रचनाओं को लेकर कहा जाता है कि उनकी लेखनी इकबाल और टैगोर की करीब है। कभी यह भी कहा गया है कि वह उनकी रचनाओं मार्क्स या गांधी से प्रभावित हैं। दिनकर सत्ता के करीब रहकर भी कभी जनता से दूर नहीं हुए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।